इस विघ्न का समाधान शीघ्र निकालिए, अन्यथा माता का मातंगी रूप कैसे प्रकट होगा। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। कोई हल नहीं है इसका। हे प्रभु महाशिव, अब आपके स्तंभन से बाहर आने का समय हो चुका है। अब तो चित भी मेरी और पट भी मेरी। हाँ हाँ, सोचिए प्रभु, विचार कीजिए। बुद्धि के देवता है ना आप, तो आपकी इतनी परीक्षा तो चलती है। ये दुष्ट तो देवी कवच को नष्ट करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। सोचो पुत्र, मुझे विश्वास तुम अपनी बुद्धि से समस्या का कोई उपाय अवश्य ढूंढ लोगे। माता, आपने कहा था स्थिर भाव से कोई समाधान अवश्य प्राप्त होता है, किंतु इस बार तो मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। पुत्र, जिस प्रकार पहले अंधेरा दिखाई देता और उसके बाद उसी अंधेरे में सब कुछ दिखाई देने लगता, उसी प्रकार कभी कभी समस्या के स्रोत में उसका समाधान छिपा होता है। समस्या के स्रोत में उसका समाधान छिपा होता है। कभी कभी समस्या के स्रोत में उसका समाधान छिपा होता है। समस्या के स्रोत में ही उसका समाधान भी छिपा होता है। सोचो पुत्र, मूल समस्या क्या है? इन असुरों का वध, किंतु उसका उपाय? नहीं माता, उसका समाधान तो माता कौशिकी के प्रकट होने में है। तो फिर ये टूटता हुआ देवी कवच? इस समस्या का हल भी माता कौशिकी के प्रकट होते ही हो जाएगा, किंतु हल तो ये निकालना है कि प्रभु महाशिव के मातंग रूप के बिना माता मातंगी कैसे प्रकट हो। अब तुम उचित दिशा में सोच रहे हो पुत्र, किंतु अब तुम्हें इस दिशा में और विचार करना होगा। समस्या तो ये है कि प्रभु महाशिव को उनके स्तंभन से मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा होते ही वो भंडासुर के निकट चले जाएंगे और इसी स्तंभन के कारण उन्हें प्रभु मातंग शिव का रूप धारण करने का अनुरोध नहीं किया जा सकता। इसलिए मुख्य समस्या है प्रभु का स्तंभित होना, और समस्या के स्रोत में ही समाधान है। यहाँ प्रभु महाशिव स्तंभित अवस्था में है और वहाँ प्रभु मातंग शिव मूर्तिवत होकर गहन ध्यान में थे। मूर्तिवत अर्थात एक रूप से स्तंभित ही थे। प्रभु मातंग और प्रभु महाशिव की अवस्थाओं में कोई भेद नहीं, दोनों ही स्तंभित हैं। माता, आपने सर्वथा उचित कहा था, समस्या के स्रोत में ही उसका समाधान होता है। इसलिए आप अभी प्रभु महाशिव का ध्यान कर, उनके दर्शन प्राप्त कर, माता मातंगी का रूप धारण कर सकती हैं। माता पार्वती ने भी तो प्रभु मातंग की समाधि की स्तंभित अवस्था को देख माता मातंगी का रूप धारण किया था, तो फिर एक ही अवस्था के दो भिन्न परिणाम कैसे हो सकते हैं? और उससे भी बड़ा सत्य तो ये है माता, कि प्रभु को हम उनके जिस रूप में स्मरण करते हैं वो हमें उसी रूप में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मैंने उचित कहा ना माता? गणेशी, अब आप कितना भी विचार कर लीजिए,
परिणाम तो एक ही होगा, मेरी विजय। सत्य कहा तुम। एक ही अवस्था के दो अलग परिणाम नहीं हो सकते। मैं अभी प्रभु महाशिव के दर्शन कर मातंगी रूप धारण करूंगी, जिससे मेरे देवी कौशिकी रूप के प्रकट होने पर मैं इन असुरों का अंत कर सकूंगी। नमस्तस्यै नमो नमः। माता के यहाँ से लुप्त होने के कारण उनका देवी कवच भी दुर्बल पड़ता जा रहा है, इसीलिए आप सभी माताओं पर इन दुष्ट असुरों के आक्रमण में अब अधिक समय शेष नहीं। माता को अभी बहुत कुछ करना है और समय बहुत कम है। प्रभु, यदि आप मेरे हित में स्तब्ध अपना प्रत्यक्ष रूप खोकर अप्रत्यक्ष हो रहे हैं, तो मैं भी आपका साथ अवश्य दूंगी। अब तो जब माता कौशिकी विंध्यवासिनी के रूप में युद्ध भूमि में लौटेंगी, तभी इन असुरों का विनाश आरंभ हो सकेगा। और अभी तक तो हमें उनके मातंगी रूप लेने का भी आभास नहीं हुआ है, उन्हें इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? ये तो अति उत्तम है कि अब ये दोनों भी स्तंभित हो गए हैं। ईश्वर के ही समान सनातन मंत्र तो देवी शक्तियों के प्रतीक हैं। ईश्वर जब स्वयं प्रकट नहीं होते तो उनके स्थान पर मंत्र ही होते हैं। हे माता, यहाँ आपकी आवश्यकता है, शीघ्र यहाँ आकर जो भी आवश्यक है वो करने की कृपा कीजिए माता। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। पूरा सुंदरी। ये तो दुर्बलता की आहट है जब विपदा सामने आती है और उसका सामना करने का कोई उपाय नहीं होता, तो जो बलहीन होते हैं वो भगवान का नाम जपने लगते हैं। पुत्र, विपत्ति हो या अनुकूल परिस्थिति, भगवान के लिए भक्त और भक्त के लिए भगवान एक ही समान होते हैं। इसीलिए पुत्र, किसी भी परिस्थिति में भगवान का स्मरण करना दुर्बलता नहीं, भक्ति, जिससे कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। इसे ही तो कहते हैं भक्ति की शक्ति, भक्ति की शक्ति, भक्ति की। माता, आपके यहाँ आने में अब तनिक भी विलंब नहीं हो सकता, कृपा कीजिए माता। ओम श्री मात्रे नमः। शक्ति रूपेण मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको संबंध से बाहर निकाल सकूं उसके लिए मुझे अभी और समय लगेगा। सर्वप्रथम मुझे भंडासुर से युद्ध कर इस युद्ध का अंत करना होगा। ओम मातंग महाशिवाय नमः।
ॐ मातंग महाशिवाय नमः। ॐ मातंग महाशिवाय नमः। माता ने हमारी पुकार सुन ली और अब वो शीघ्र माता मातंगी रूप धारण करने जा रही हैं। ॐ मातंग महाशिवाय नमः। ॐ मातंग महाशिवाय नमः। ॐ मातंग महाशिवाय नमः। नहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकती तुम देवी, कुछ नहीं। देख क्या रहे हो, आक्रमण करो और उस देवी के लौटने के पहले उसकी सेना का अंत करो। मातंगेश्वरी ॐ भगवती मातंगेश्वरी। और जब माता कौशिकी विंध्यवासिनी के रूप में युद्ध भूमि में लौटेंगी तभी इन असुरों का विनाश आरंभ हो सकेगा। ॐ ऐं भगवती मातंगेश्वरी। ॐ ऐं भगवती मातंगेश्वरी। शुंभ, अब बिना विलंब किए इनकी मुख्य देवी के लौटने के पहले इन्हें स्तंभित कर दो और अपनी अपार शक्ति से इन्हें कुचल कर रख दो।
अब आनंद आएगा मुझे। हे माता, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? देवी तो यहां से वापस नहीं जा पाओगी। बस दोष, अब और अवसर नहीं दूंगी मैं तुम्हें। लोचन का वध कर दिया। नहीं देगा, असुरों के रक्त में उबाल मैं लाकर रहूंगा। आगे बढ़ेंगे, अंत करेंगे इस नारी का। तुम कुछ समय और इस नारी को उलझा कर रखो। मेरे हाथ पुनः बढ़ते स्त्री को स्तंभित कर मैं उसे बंदी बना लूंगा। अस्त्र प्रहार कंडा तो दूर, उसे एक पग भी आगे पढ़ने का अवसर नहीं देंगे। आप व्यर्थ में चिंतित ना हो। इस तुच्छ स्त्री को स्तंभित करने की कोई आवश्यकता नहीं है सम्राट शुंभ।
हम तो इसे बड़ी सरलता से बंदी बना लेंगे। मैं रक्त बीज, रक्त ही मेरा आधार। मैं करूंगा बात, इस बार इस नारी के रक्त से स्वयं को तृप्त करूंगा, मान करूंगा इसके रक्त का। ये सभी असुर एक साथ माता और उनकी सेना पर आक्रमण कर रहे हैं। जय जय हो जय मां बगलामुखी, जय जय हो जय 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 हो जय मां बगलामुखी। भ्राता मुंड, ये क्या? इस स्त्री की तो छाया भी युद्ध कर रही है। भ्राता चंड, छाया हो या काया, हमारी शक्ति के सामने सब तुच्छ है। रक्त बीज है हम, रक्त ही हमारा आधार। हमारे रक्त की जितनी बूंदें धरा पे गिरेंगी उतने ही रक्त बीज उत्पन्न होंगे। यदि इसका रक्त बहने से हमारी सेना में विस्तार होता है तो अवश्य अगला प्रहार इसी पर होना चाहिए। हमारी इन विद्युत तरंगों से अब तुम्हारा बच पाना संभव नहीं है, मूर्ख स्त्री। हम इन दोनों को मिटा कर ही श्वास लेंगे। मूर्ख, जो बेकार को अपने सामने देख उसे ही भारी स्वर में चुनौती दे, उससे बड़ा मूर्ख तो और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मूर्ख मैं नहीं, तुम हो मूर्ख। अब समय आ गया इन्हें अपने विकराल रूप से परिचित कराने का। माता काली के सामने तो कोई नहीं टिक सकता। बहुत हुआ तुम्हारा शक्ति प्रदर्शन, अब और नहीं। अब हमारे विद्युत अस्त्र अंत करेंगे तुम्हारा। अंत तो निश्चित। माता महाकाली की मुस्कान, उनके श्वेत दंत ऐसे लग रहे हैं जैसे उजले मोती या मोगरे के पुष्प हों। चंड और मुंड जैसे भयानक असुरों का अंत कर दिया इस देवी ने।
कर दिया देवी चामुंडा। देवी चामुंडा महाकाली की जय। देवी चामुंडा महाकाली की जय। देवी चामुंडा महाकाली की जय। ऐसे आवाज क्यों खड़े हो तुम? असुरों की प्रतिष्ठा धूमिल मत होने दो, आगे बढ़ो, पराक्रमण करो। अब रुकने वाला नहीं है और तीव्रता से आक्रमण करूंगा मैं। हम सुरक्षित हैं। हाँ भ्राता, हमें कोई क्षति नहीं पहुंची। भ्राता ऋषियों, छलांग लगाओ, तभी हमें रक्षा होगी। इसका अवसर कहाँ है भ्राता श्री? मेरे सभी असुर महायोद्धाओं को ऐसे कैसे पराजित कर सकती है ये? क्या क्या तुमने असंख्य और रक्त बीज उत्पन्न कर माता को घेरने के लिए रक्त की वर्षा की है दुष्टों ने। उचित है, इसका परिणाम तो तुमको भुगतना ही होगा। लाल धूम्र तो माता के लाल आंचल के समान है। माता अवश्य कुछ अद्भुत करने वाली है। Oh!
माँ महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। इस सृष्टि के अंत में ही मेरा आरंभ छिपा है। वंत चाहे कोई असुर करे या कोई देवी देवता, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तो बस अपनी बनाई हुई सृष्टि चाहिए। अब शीघ्र ही जब ये सब समाप्त होगा और सब नष्ट होगा तो एकमात्र भंडासुर ही शेष रह जाएगा। पिछली बार भी माँ महाकाली के क्रोध और उनकी भूख दोनों को शांत करना कठिन हो गया था, किंतु पिताश्री के आने से ही माँ शांत हुई और तभी सब पुनः सहज हुआ। पिताश्री महादेव रौद्र हैं, तो शांति और संतुलन के रक्षक भी हैं। उनका अनंत शांति संपन्न रूप ही माता को शांत करा सकता है, किंतु प्रभु महाशिव तो स्तंभित हैं। हम उनका आवाहन तो नहीं कर सकते, किंतु मुझे विश्वास है पिताश्री प्रभु महादेव के आगमन से ही हमारी सहायता हो जाएगी, क्योंकि प्रभु महाशिव और महादेव का मूल तत्व तो एक ही है। पिताश्री, हे महादेव, हमें आपकी आवश्यकता है। दर्शन दीजिए पिताश्री, क्योंकि आपके ही दर्शन से माँ महाकाली का ये रौद्र रूप शांत हो सकता है। महाकाली का ये रौद्र रूप शांत हो सकता है। देवी महाकाली, रक्त बीज का अंत हो चुका है, इसलिए कृपा करके आप भी शांत हो जाइए। देवी महाकाली, देवी महाशक्ति, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, शांत हो जाइए, कृपा करके शांत हो जाइए। माता महाकाली तो पिताश्री महादेव का अनुरोध सुनकर भी नहीं रुकी, तो मुझे सभी ब्रह्मांडों से समस्त प्रभु महादेव का आवाहन करना होगा। कदाचित उनका संयुक्त शिव तत्व माँ को शांत करने में सहायक बन सके। शांत हो जाए, शांत हो जाए, देवी शांत हो जाए। भंडासुर वही हो रहा है जो तुम चाहते हो, विस्फोट। अब इसे कौन रोक सकता है? क्योंकि जो इसे रोक सकता है वो तो स्तंभित है। भंडासुर, तुम्हारी जय हो। देवी महाशक्ति, देवी महाकाली, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, देवी शांत हो जाइए।
माता, पिछली बार तो माता महाकाली पिताश्री के आगमन से ही शांत हो गई थी, तो इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मेरी सहायता कीजिए माता, अन्यथा इस सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हमें प्रभु महाशिव का आवाहन करना ही होगा माता, उन्हें स्तंभन से बाहर आना ही होगा, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ईश्वर के लिए धर्म के साथ रहना ही उनका कर्तव्य है, और प्रभु महाशिव तो धर्म का ही साथ देंगे, ना कि उस पापी अधर्मी भंडासुर का। माता मेरी पुकार सुनिए, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपा करके शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। माता दया कर प्रभु महाशिव का आवाहन कीजिए। अब हमें बहुत विलंब हो चुका है पुत्र गणेश, अब प्रभु महाशिव को उनकी स्तंभित अवस्था से बाहर निकालकर यहाँ लाना असंभव के समान हो चुका है, क्योंकि अब वो सगुण से निर्गुण अर्थात साकार से निराकार हो रहे हैं, क्योंकि अब वो सगुण से निर्गुण अर्थात साकार से निराकार हो रहे हैं। प्रभु महाशिव सगुण से निर्गुण हो रहे हैं, निराकार हो रहे हैं। अब उनके प्रत्यक्ष रूप थोड़ा ही अंश अप्रत्यक्ष होना शेष। ये नहीं हो सकता माता, इस घटना को रोकने का अवश्य कोई उपाय होगा, कृपा कर आप ही बताइए मुझे। इस प्रकार संसार से शिव तत्व का लुप्त होना सृष्टि के संतुलन पर संकट के घोर बादल का छाना है। यदि आप लुप्त हो गए तो संसार अधूरा ही नहीं रहेगा, अपितु लुप्त हो जाएगा। मैं प्रण करता हूँ प्रभु महाशिव, जब तक आप अपने साकार रूप में नहीं लौटते तब तक मैं वो दिव्य नृत्य कर आपकी प्रार्थना करूँगा जो आपको भी प्रिय है। प्रभु पूर्ण रूप से अदृश्य हो गए। ओम नमः शिवाय। जब तक आपके साकार रूप के दर्शन नहीं हो जाते मेरे नृत्य का आकार बढ़ता ही जाएगा। ओम नमः शिवाय। किसके शब्द हैं ये, किसकी पुकार है ये? मैं कहाँ हूँ? कौन है मेरा आधार? कौन है मेरा आधार? आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? मुझे बताइए ना आप कौन हैं? मैं ब्रह्मदेव हूँ। आप ब्रह्मदेव हैं? ब्रह्मदेव
मुझे बताइए ना, मैं कौन हूँ? मेरा कोई नाम ही नहीं है, मेरा कोई परिचय भी नहीं। कौन है मेरी माता? किसके शब्द है ये? किस बालक के रुदन का स्वर है ये? कहाँ है ये बालक और इतने दुखी स्वर में माँ को क्यों पुकार रहा है ये? मुझे बताइए ना, मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? रुद्र। 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 रुद्र अर्थात शिव। रुद्र प्रभु महाशिव अपने इस रूप में लौट आए। रुद्र आपका रुदन सुन मेरी जिह्वा पर आपके लिए यही नाम आया है प्रभु बाल शिव। आपका नाम रुद्र ही है, शिव लीला अपरंपार है। आपकी अनंत लीला में इस लीला का कारण समझने में मैं भी असमर्थ हूँ प्रभु। रू का अर्थ है चिंता और द्र का अर्थ है दूर करना। रुद्र अर्थात चिंता को दूर करने वाले। एक ओर इनका करुणामय रूप पालनहार का प्रतीक है, वही दूसरी ओर इनका उग्र रूप संहारक का। प्रभु रुद्र तो समस्त सृष्टि के ऊर्जा के स्रोत हैं, इसलिए इनका अस्तित्व सर्वोपरि है, परमात्मा है ये। वो रुदन कर रहा है अर्थात वो किसी संकट में है। सफल होगी मेरी योजना, सत्य होगी मेरी कल्पना, पृथ्वी का सर्वनाश होगा। भद्रकाली निवारिणी जय महाकाली माँ। मैं कौन हूँ? जय महाकाली रुद्र काली माँ। ओम नमो महाकाली। प्रभु शिव के रुद्र रूप के कारण ही धरती देवी काली के क्रोध से बच गई। तुम जैसी भी लीला कर लो, मेरी इच्छा को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अब हुआ विस्फोट। पराजित नहीं हो सकता। प्रभु बाल शिव ने देवी काली का रोष शांत कर वो संभव किया जो किसी के लिए भी संभव नहीं था। बालक की पुकार सुनकर सब कुछ भूल वो दौड़ी चली आई। ऐसा एक माँ ही कर सकती है।
मेरी रश्मि, मेरी पुत्री। रश्मि प्रभा, एक बार फिर मैं तुम्हें अपने हाथों में उठाकर अपनी गोद में उठाना चाहता हूं। ये रक्त, मेरी पुत्री का रक्त मेरे हाथों में। शुंब निशुंब, अंडासुर, क्या हो गया है तुम्हें जो जीवित है उनको छोड़कर, जो मृत हो गए हैं उनका स्मरण कर रहे हो? मूर्ख हो तुम, इस अवसर का लाभ उठाओ अंडासुर। सब डूबे हैं अपनी भावनाओं के सागर में, तो अब मैं भर लाऊंगा अपनी विजय का गागर। अब युद्ध में अपनी विजय के लिए इतनी दुष्टता तो चलती है। से स्तंभित करेगा, तब निशुंभ करेगा इनका नाश। तब देखता हूं स्वयं को पराशक्ति पुकारने वाली ये नारी कैसे अपनी रक्षा करती है। प्रभु शिव के निराकार होने के बाद बाल स्वरूप में अवतरित होकर देवी काली के रुद्र रूप को ममतामयी रूप में परिवर्तित कर दिया है। ये तुम्हारे कारण ही संभव हो पाया है पुत्र गणेश। प्रभु के इन मनोहर सौम्य रूप को किस नाम से जाना जाएगा? बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव। क्या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्वं विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ, प्रभु महाशिव के इन रूप को बटुक भैरव के नाम से जाना जाएगा। कुंतो दासी वक्रम दिव्य
शुंग निशुंग मेरे सबसे बड़े अस्त्र। प्रस्तुत हो जाओ अपने अगले आक्रमण के लिए। हमें क्षमा कीजिए प्रभु बटुक भैरव। प्रभु आपके निराकार रूप लेने से पहले आपको स्तंभन से बाहर नहीं ला सके, किंतु अब परिणाम जो भी हो, आप अपने शिव तत्व को पृथ्वी पर लौटाकर अपने महाशिव रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए, क्योंकि आपके बिना सृष्टि अधूरी है प्रभु, मैं अधूरी। महाशिव यदि साकार होंगे तो मेरा स्वप्न भी आकार लेगा, क्योंकि महाशिव तो मेरे साथ रहने के लिए वचनबद्ध हैं। तुम्हारी प्रार्थना का फल तो मुझे ही प्राप्त होगा देवी। प्रभु, शिव तत्व के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए, अन्यथा मैं और सृष्टि दोनों ही अपूर्ण रह जाएंगे। प्रभु आएंगे तो मेरी अपूर्ण इच्छा को ही पूर्ण करेंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदनामृतेन क्षेमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदनामृतेन क्षेमामृता। प्रणाम प्रभु। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदनामृतेन क्षेमामृता। में आ जाइए और आदेश दीजिए इन देवियों को कि वो अपने अस्त्र त्याग कर पराजय स्वीकार कर लें। ना आपको शस्त्र गिराने की ना पराजय स्वीकार करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि पाप के सागर में डूबे भंडासुर को मेरा साथ कभी प्राप्त नहीं होगा। बार हमारी पराजय नहीं, जय जय ही होगी हमारी। शुंब निशुंब के छल को भी विफल कर दिया इस नारी ने। नारी, इस बार सर्वनाशी होगा मेरा प्रहार। मेरे सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट कर रही है, कहीं मेरा पुनः वध तो नहीं कर देगी।
भ्राताशुंभ, भ्राताशुंभ। नहीं, ये क्या हो रहा है? शुंभ का भी अंत हो गया? तुम्हें स्तंभित कर वही प्रणाम करूंगा तो तुमने भ्राता दर्शन का किया है। मेरी मायावी शक्ति मुझसे सुखकर अपने भीतर समाहित कर रही है। ये कैसे संभव है? ये देवी शुंभ के स्तंभन शक्ति को कैसे सोख सकती है? इतने अचंभित मत हो शुंभ, वहाँ माया को ही माया से बांधना चाहते हैं, और कितनी भूल करोगे तुम? मेरी महामाया और कोई नहीं, मेरी ही निद्रा से उत्पन्न मेरा ही एक स्वरूप है, और यही सभी माया की स्रोत और नियंत्रक है। महामाया या महाशक्ति, तुम कोई भी रूप ले लो, अंत मेरा अंत संभव नहीं, वो भी तुम्हारे जैसे कुछ नारी के हाथों। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं। कितना भी प्रयास कर लो, मुझे आहत नहीं कर सकते तुम। पूर्व में इसके अंत का क्या उपाय था? माता, शुंभ को ये वरदान प्राप्त है कि उसके भीतर की नारी शक्ति ही उसका अंत कर सकती है। सर्वांगी सुंदर गणेश जी, बार बार मेरे विघ्नहर्ता क्यों बनते हैं ये? अब अपनी रक्षा कैसे करो? यदि यही इसके अंत का उपाय है तो फिर यही होगा। नारी को अपना समझने वाले इस दुष्ट का अंत माता की शक्ति से नहीं वरन नारी शक्ति से ही होगा। समस्त देवताओं से मेरा निवेदन कि अपने भीतर की स्त्री शक्ति को मुझ में समाहित कर दे, जिससे कि इस दुष्ट असुर का मैं संहार कर सकूं। नमस्ते, 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 नमस्ते,
मेरी नारी शक्ति भी मुझे छोड़कर देवी में समाहित हो रही है। योद्धाओं का अंत कर दिया इस नारी ने। पितृ पर्वत भी क्षतिग्रस्त हो गया। पुत्र गणेश, प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। माता, आज इस युद्ध भूमि में संसार को आपके वीरतामय श्रृंगार रूप के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। हाँ माता, वीरांगनाओं के पराक्रम में भी उनके सौंदर्य का समावेश होता है। जैसे आपके चरणों पर महिषासुर का रक्त आलता के समान था, चंडमुंड के वध के समय आपके मुख की मुस्कुराहट मोगरे के पुष्पों के समान सुंदरता बिखेर रही थी। रक्त बीज का अंत करने जब आप युद्ध भूमि में उतरी, तो वहाँ रक्त भरी धूम्र का उड़ना आपकी साड़ी के लाल आंचल के लहराने के समान था, और रक्त बीज का रक्त आपके होठों की शोभा बढ़ा रहा था। निशुंभ के वध के समय आपकी परछाई जैसे आपके सुंदर केशों की छाया थी, और शुंभ का अंत करने पर आपके कंठ पर उभरे स्वेद के कण श्वेत मोतियों के आभूषण के समान थे। इसलिए माता, आपका वीरतामय श्रृंगार तो अद्भुत था। गणेश, तुम सच में बुद्धि और युक्ति के देवता। तुम बुद्धि और युक्ति के बल पर सदा मेरी सहायता के लिए तत्पर रहे। तुमने उचित समय पर देवी कवच का प्रयोग किया और देवियों की सुरक्षा सुनिश्चित की, और जिसकी बुद्धि इतनी प्रखर वही अपनी सूक्ष्म दृष्टि से मेरे रूप का इतना सुंदर वर्णन कर सकता है। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र, कि जो भी संकट काल में विघ्नहर्ता गणेश का नाम लेकर मेरा देवी कवच पाठ सत्व निष्ठा और श्रद्धा से पड़ेगा, कोई भी संकट उसका स्पर्श भी नहीं कर सकेगा।
विजय का अभियान चलता रहेगा। ये युद्ध अभी नहीं रुकेगा। पुत्र गणेश, क्या हुआ मुझे बताओ, क्या है तुम्हारी चिंता का कारण? इन सभी असुरों से मैं परिचित था, इसीलिए मैं इन्हें पहचान कर इनके अंत का सुझाव दे सका। किंतु यदि भंडासुर ने किसी ऐसे असुर को भेजा जिसे मैं भी ना पहचान सकूं, फिर उसका क्या परिणाम होगा? पुत्र, जिसके पास बुद्धि का बल हो उसके लिए कैसी कठिनाई। इसीलिए अब भंडासुर जो भी करेगा उसकी चिंता तुम त्याग दो। जिन्हें कुछ करना होता है वो विचार नहीं करते। भंडासुर को जो करना था वो कर चुका। तुमने मेरा कुछ नहीं छीना, क्योंकि जो मैं तुम्हारा छीनूंगा देवी तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। और मेरा एक प्रहार तुम्हारे सहस्त्र प्रहारों पर भारी पड़ेगा। सत्य से परिचित होना सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है गणेश जी, तो फिर भंडासुर इससे क्यों वंचित रहे? आज माता के महिमा गान से उसे भी ज्ञात हो जाने दीजिए कि चाहे वो कुछ भी कर ले हमें कोई चिंता नहीं। चिंता की चिता तो जल कर ही रहेगी, क्योंकि मैंने जो किया है वो अद्भुत अंधकारी ही नहीं कल्पना से भी परे है। माता, जिस ज्ञान के प्रकाश से आप भंडासुर के भीतर छिपे अंधकार को मिटाकर सर्वत्र प्रकाश की ऊर्जा का संचार करने जा रही हैं, उसके लिए हम क्या, समस्त संसार आपकी महिमा का गान करना चाहता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, नमन को पंच तत्व भी है अधीरा। चिन्ह है जो श्री माता ललिता ने अपने काली अवतार में अंकित किए थे। पंचभूत तत्वों ने आपके लिए जिस सिंहासन को आकार दिया है उसकी शोभा बढ़ाकर आप धर्म के साम्राज्य का आरंभ करेंगे। माता राज राजेश्वरी, इस अद्भुत दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो जाइए और हमें आपकी वंदना करने की अनुमति दीजिए। नमस्तस्यै नमो नमः।
जन का आधार ही भस्म है, तो क्यों ना मेरे होने वाले साम्राज्य का सिंहासन भी भस्म का हो। किंतु उसके लिए तो इस संसार को ही भस्म होना पड़ेगा। क्यों गणेश जी, इतना तो चलता है ना। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। यहाँ जो कुछ भी है सबको अग्नि में भस्म कर दूंगा मैं। सूर्यास्त से पूर्व ही इसने अग्नि क्यों चलाई है, मुझे संदेह हो रहा है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हम देख नहीं पा रहे। भंडासुर अपने ही महल को आग लगाकर नष्ट कर रहा है, कहीं इसमें कोई नया षड्यंत्र तो नहीं है। पुत्र कार्तिक सर्वथोचित कह रहा है, भंडासुर कोई बड़ी योजना बना रहा है। पुत्र गणेश को सतर्क रहना चाहिए। मेरी अगली योजना आपकी कल्पना से भी परे है गणेश जी।